खबर बिहार से है, जहां राष्ट्रीय भोजपुरी संस्था द्वारा महाराजगंज में दो दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। भोजपुरी महोत्सव के शुभारंभ स्थानीय सांसद सिग्रीवाल, जदयू नेता प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, हेम नारायण साहा, पूर्व विधायक शारदा देवी, नगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। साथ ही राष्ट्रीय भोजपुरी संस्था द्वारा पांचवा भोजपुरी महोत्सव का आयोजन कर भोजपुरी भाषा को आठवां अनुसूची में शामिल कराने की मांग उठी। देश के 19 सांसद ने सदन में भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर आवाज बुलंद कर चुके हैं। साथ ही 230 बार लोकसभा प्रश्न उठाया जा चुका है कि देश की आजादी के बाद से भोजपुरी भाषा को शामिल कराने की आवाज उठती रही है, जबकि कम बोले जाने वाली भाषा मैथिली भाषा को संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि देश और विदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल न करने में कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी खूब राजनीति करती नजर आ रही है। राष्ट्रीय भोजपुरी संस्था 2016 से पूर्व जोर से भोजपुरी भाषा की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर संघर्ष करती आ रही है। वो वर्तमान के गृहमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर कुछ मंत्री लोग राजस्थान के बाद आश्चर्य हुई भाई गुरुचरण जी के याद दिलाता नहीं कि 1947 में देश जब आजाद हो गए तो महापंडित राहुल संख्याएं रूस से आए रहे आ अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन गोपालगंज में भर गए। तो 1947 में एक बात कह गए 21वीं शताब्दी या 22वीं शताब्दी में लोक भाषा के मौर्य के जो दौर आ रहा होगा, मृत होते के जो दौर आ रहा होगा, दुनिया की बहुत सी भाषा समाप्त हो गई, हजारों भाषा समाप्त हो गई। जे भाषा शास्त्र पर काम करे वाला आदमी बा एक पर रात दिन चिल्ला रहा होगा, बात कह रहा होगा, सावधान कर रहा होगा। 1947 में ही देश के आजाद होने के दो तीन दिन के बाद वो आई रहे और गोपालगंज में बात कहले रहे कि भोजपुरी राज्य होके चाहिए, भोजपुरी के वो अखबार निकले के चाहिए। आ भिखारी ठाकुर हमने के अनगढ़ हीरा हुए इनका रचना प्रकाशित होने के चाहिए, इनका एक सम्मान मिले के चाहिए। वो समय के राजगढ़ पुलिस के बड़का प्राचार्य बहुत पढ़ल लिखल आदमी समझदार आदमी प्राचार्य चंद्र माथुर शायद हमारा समझ से बिहार के पहला शिक्षा सचिव और ICS के सुरक्षा खातिर संरक्षा खातिर और भोजपुरी क्षेत्र के कलाकारों के सम्मान खातिर हम इसे अपील कर रहे हैं। बाकी वो आंदोलन वहां से लेके गुरुचरण भाई का टाइम का आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाओ, हम खुद भी जब भी कई बार जंतर मंतर पर हम जैसे आंदोलन धरना प्रदर्शन कराओ कलाकार
ये लोग के ज्यादा योगदान बा, ये बात ठीक बा कि भोजपुरी के बढ़ावे में रहा योगदान नहीं थे, भोजपुरी के मजबूत करे में, अब भोजपुरी साहित्य के बढ़ावे में और प्रचार प्रसार में कलाकार लोग के योगदान तो रामचंद्र जी के योगदान तो बढ़ते था। दूसरा बात कि जो गुरुचरण भाई उम्मीद तो हम लोगों का नहीं कहीं हम लोग कलाकार बनी। अच्छा ये बताइए ना, हमने के आदमी जो काम करेगा, हम जो सिनेमा बनाएंगे, हम जो यूट्यूब पर जो कॉमेडी बनाएंगे, हम जो गाना जनवादी पहले गावत रहे भैया एगो चीज याद चला कैसन बा जमाना, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं थे नौकरी का करो बेरोजगार बा, 40 की उम्र हो गई और हम ना होता हो देखो ये कभी बकरी चला रहा बेरोजगारी पूरे है। ओकरा बाद हमारे लोग बना रहे कि अब तक बिहार में जीएल हराम हो गई, लूट पाट चोरी करके की देखा फुलियाम हो गई, जौना पर जौन छमक रहा जौना पर सदानंद बाबू वगैरह स्पीकर रणनी आप भैया ही प्रश्न खोल रहे हैं विधानसभा में वगैरह विधानसभा में रणनी कुछ भी कोई भी हमने ना तो एगो ब्रेकअप आ ब्रेक आई फिर बहुत सारा मामला आई ओकरा बाद ई जो गाना रहे अब फेमस सरकार कर लग गई झारखंड ओ घरी 22 जिला से 22 को केस हमने पकड़े गए कहे कि लालू जी के आदेश रहे मीटिंग में ट्राई रहे अध्यक्ष लोग के तो उनका आदेश रहे कि एक आदमी कहलस कि सर आप केस कर दीजिए कुछ भी गा रहा है पहले कि यही तुम लोगों को माथा नहीं।